दोस्तों, स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच कापर की दो लंबी पाइपें होती हैं, जो अक्सर पिंच हो जाती हैं। जैसे ये सक्शन की हाफ इंच साइज की मोटी पाइप पिंच हो गई है। पाइप के इस तरह पिंच होने से गैस के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस पाइप को खोलना सभी टेक्नीशियन को आना चाहिए। पहले पाइप के इंसुलेशन को हटा लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल खान। इस वीडियो में हम लोग पिंच पाइप को खोलना सीखेंगे। इंसुलेशन हट चुका है, इसके लिए फ्लेयरिंग टूल का ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। पाइप जिस साइज का हो उसे फ्लेयरिंग ब्लॉक के उसी साइज के होल में इस तरह फिक्स करते हैं। फ्लेयरिंग ब्लॉक को अच्छी तरह टाइट करते हैं। ब्लॉक जब पूरी तरह से टाइट हो जाए तो उसे वापस खोल लेते हैं। ये देखिए, पाइप ओपन हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।